गुड मॉर्निंग एवरीवन, लाइव स्ट्रीमिंग में भी प्रॉब्लम है, इसीलिए लाइव नहीं हो पाएगा क्योंकि चैनल में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, उसमें लाइव नहीं हो पा रहा है, इसीलिए आपको सबको है ना ज्वाइन कर लेना इसी से, ठीक है, तो ये ध्यान देना। और जो कल का मैसेज था एग्जाम वाला कि एग्जाम नहीं होगा, प्रमोट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, पुराना वीडियो का एक पब्लिश्ड हो गया है चैनल के प्रॉब्लम के चलते, तो ये पुराना वीडियो है जो आपको क्लियर कर दिए, ठीक है, पिछले साल का वीडियो है। रोहित क्या इशू है सर? बोल रहे थे सर, डायरेक्टर सर उसमें मेंशन किए हुए हैं 21 छोड़ दो यार, जब एक बार बोल ही दिए कि पुराना वीडियो है, तुम मेंशन किए थे, ये किए थे, ये सब मतलब एक चीज, छोटा सा चीज को समझने के लिए पूरा दो क्लास लेना पड़ेगा क्या? यही चीज और कंफ्यूजन कर देता है, तुम पूछोगे फिर और कंफ्यूज कर देगा दूसरा, जब एक बार में क्लैरिटी दे दी, ओल्ड वीडियो वो आ गया है गलती से अपलोड हो गया, तो फिर एक ही चीज को बार बार टोकना जिससे दूसरा को भी कंफ्यूजन होगा। चलिए आगे बढ़िए, तो हम लोग जो प्रीवियस क्लास में देखे थे वो देखे थे इनहेरिटेंस का टाइप, ठीक है, और उसमें हमने देखा था कि किस किस टाइप का इनहेरिटेंस होता है, और हमने बताया था कि अगर आपको एक इनहेरिटेंस सिंगल भी कंप्लीट है तो आप उसी को आप मल्टीपल में भी चेंज कर सकते हो, मैंने चेंज भी कर दिया था, मल्टी लेवल भी चेंज कर सकते हो, हायरार्किकल भी दिखा दिया था, एक नहीं दिखाया था तो हाइब्रिड जो आपको बोले थे कि आप अपने हिसाब से हाइब्रिड कर लेते। अब आपको हर एक का डेफिनेशन आपको लिखना होगा, डेफिनेशन आपको मिल जाएगा, सिंगल का क्या है, मल्टीपल का क्या है, पाइथन में भी मिल जाएगा तो पाइथन वाला भी लिख लीजिए, अगर डेफिनेशन किसी भी लैंग्वेज का मिल रहा है सब में आपका सेम होगा, सिर्फ पाइथन का एग्जाम्पल होगा तो वो पाइथन के हिसाब से होगा, तो ये तरीके आपको कर लेना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब, और इनहेरिटेंस के केस में एक फीचर आता है, जैसे अभी तक हम लोग को फीचर अगर देखा जाए, शुरुआत में मैंने जो डिस्कस किया था कि उप्स में इंपॉर्टेंट फीचर क्या होते हैं, उसमें मैंने डिस्कस किया था आपको क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, है ना, और इनहेरिटेंस, ये चार चीज हो गया। अब एक पॉलीमॉर्फिज्म है, इसमें हम लोग देखेंगे ये है क्या और बाद में समझेंगे हम लोग, ठीक है, तो पहले हम एग्जाम्पल हम बता देते कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, उस चीज को आप समझ लीजिए।
और इस पर एग्जांपल देखते हैं। मैं यहां से कॉपी कर दे रहा हूं, एक मेरे पास डेफिनेशन ऑलरेडी है सी प्लस प्लस का, वही डेफिनेशन कॉपी कर देता हूं। एलोबरेट करना देखिए, सबसे पहले तो पॉलीमॉर्फिज्म का वर्ड का मीनिंग समझना है। पॉलीमॉर्फिज्म जैसे रियल लाइफ में मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि एक पर्सन का अलग अलग बिहेवियर रहता है एट द सेम टाइम, ठीक है, एक ही पर्सन का। जैसे एक पर्सन है, मैं आपकी एग्जांपल ले लूं तो आप एट द सेम टाइम आप स्टूडेंट हो, आप डॉटर हो, आप सन हो, आप सिस्टर हो, आप ब्रदर हो। यानी एक पर्सन का अलग अलग क्या होता है, फॉर्म होता है एक ही पर्सन का रियल लाइफ में। तो वही चीज पॉलीमॉर्फिज्म कहता है। सबसे पहले तो पॉलीमॉर्फिज्म में पॉली मतलब होता है, पॉली और मॉर्फ दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। पॉली मींस होता है मेनी एंड फॉर्म मतलब, मॉर्फ मतलब होता है फॉर्म्स, यानी एक ही चीज का मेनी फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स। और मैंने आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया, जैसे मेरी एग्जाम्पल, तो एट द सेम टाइम मैं टीचर हूँ, एट द सेम टाइम मैं हस्बैंड फादर, ये सारा चीज एट द सेम टाइम। तो हर चीज का है ना एक समय में डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, वे होता है। तो ये चीज है पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पर आप देखिए, द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स हैविंग मेनी फॉर्म्स। इन सिंपल वर्ड वी कैन डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म एज द एबिलिटी ऑफ मैसेज टू बी डिस्प्लेड मोर देन वन फॉर्म। रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है, ए पर्सन एट द सेम टाइम कैन हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, लाइक अ मैन एट द सेम टाइम इज अ फादर, अ हस्बैंड एंड एम्प्लॉई। एक ही पर्सन का एक समय में क्या है, डिफरेंट फॉर्म। तो ये तो हो गया रियल लाइफ एग्जाम्पल। अब आते हैं एक्चुअल प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल। जैसे कभी आप देखते हो कि इनहेरिटेंस के केस में आप क्या करते थे कि एक आप सुपर क्लास बनाते हो, थोड़ा सा कलर इसको चेंज करते, एक आप सुपर क्लास बनाते हो और एक आप डिराइव्ड क्लास बनाते हो, ठीक है। अब आप क्या करते हो कि सुपर क्लास के मेथड को डिराइव्ड क्लास के मेथड के अंदर क्या करते हो, कॉल करते हो। तो आप अगर सुपर क्लास में एक फंक्शन आपने ले लिया एक्सेल, जो क्या करता है, इनपुट लेता है। अब आप यहां पर भी इनपुट लेने वाला फंक्शन है, बट यहां पर आप बना रहे थे गेट डेटा। क्या बना रहे थे, गेट डेटा। तो अब गेट डेटा बना रहे थे, इसलिए मैंने बोला कि पहले से आप एक्सेप्ट बनाए हुए हो, तो यहां पर आप गेट डेटा का यूज नहीं करोगे, एक्सेप्ट का यूज नहीं करोगे, कंफ्यूजन होगा, क्योंकि इस एक्सेप्ट को हम लोग इस गेट डेटा के अंदर कॉल करेंगे, तो ये पर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए ही हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर एक्सेप्ट और एक्सेप्ट दोनों सेम नेम रखेंगे, यानी यहां पर भी एक्सेप्ट नेम रखेंगे और उसको तरीके से हम लोग कॉल करें। तो ये एक तरह से हम लोग का किसका एग्जांपल है, पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है। एक मिनट, चलिए तो ये बता दे रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म के लिए हम लोग टर्म्स यूज करते हैं मेथड ओवरराइडिंग।
इसको समझिए, पॉलीमॉर्फिज्म के लिए हम लोग पढ़ते हैं मेथड ओवरराइडिंग, इसको बता देते हैं। इन मेथड ओवरराइडिंग अ सुपर क्लास यानी बेस क्लास, अ सुपर क्लास सेम नेम एंड सिग्नेचर मेथड ऑल्सो डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड इन सब क्लास। इन दिस सिचुएशन सब क्लास मेथड ओवरराइड एंड हाइड सुपर क्लास। टू ओवरकम दिस सिचुएशन we use super keyword, super एक keyword है, with super class method। inside class। अब हम सीधा आते हैं एग्जाम्पल पर, क्योंकि एग्जाम्पल देंगे तभी ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगा और उसके बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, एलोबरेट करेंगे क्या है मेथड ओवरराइडिंग और इसको पॉलीमॉर्फिज्म से क्या रिलेटेड है। और एक लाइन हम लास्ट में लिख देंगे, यूजिंग मेथड ओवरराइडिंग वी अचीव पॉलीमॉर्फिज्म। सीधे आते हैं प्रोग्राम पे और प्रोग्राम एक बनाते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म या आप कह लीजिए मेथड ओवरराइडिंग हमेशा इनहेरिटेंस के केस में होता है। जब तक आप इनहेरिटेंस यूज नहीं कीजिएगा मेथड ओवरराइडिंग नहीं होगा। एक हम लोग नया फाइल बनाते हैं ओवरराइडिंग, इसमें हम लोग एक क्लास बनाते हैं स्टूडेंट से रिलेटेड ही, ठीक है, क्लास। प्रीवियस क्लास में भी हम लोग पर्सन बनाए थे, इस क्लास में भी हम लोग एक, चूंकि हम लोग को दो दो चीजें चाहिए, एक स्टूडेंट भी चाहिए, तो हम लोग एक ले लेते हैं पर्सन ही ले लेते हैं पर्सन। Def accept input के लिए, और इनपुट के लिए हम लोग यूज करेंगे रन टाइम इनपुट लेते हैं। रन टाइम के लिए इसमें दो चीज हम लोग ले लेते हैं, एक नेम इक्वल्स टू सेल्फ डॉट नेम, इनपुट एंटर नेम, ठीक है। और सेल्फ डॉट जेंडर, एंटर
जेंडर। यहां पर हम लोग एक सेल्फ यूज कर लेंगे, एक पैरामीटर रहेगा। चलिए एक ये हो गया और एक हम लोग फंक्शन बना देते हैं डिफ का, डिस्प्ले का। तो यहां पर क्या बना दें, डिस्प्ले। डिस्प्ले और दोनों चीजों को डिस्प्ले करेंगे। प्रिंट नेम इक्वल्स टू कॉमा सेल्फ डॉट नेम, एंड जेंडर इक्वल्स टू सेल्फ डॉट जेंडर। ये प्रीवियस क्लास में किए थे। एक हमने क्लास हम लोग बनाते हैं क्लास स्टूडेंट, इसकी डेराइवेशन होगी पर्सन से, और इसके अंदर भी हम लोग को ये दो मेथड चाहिए। लेकिन यहां पर हम लोग कर देंगे क्या, कुछ भी दूसरा ले लेंगे, गेट डेटा। और नेम हो गया, यहां पर हम लोग आईडी को आईडी और इनपुट इंटर आईडी और एक ले लेते हैं कोर्स, कोर्स इनपुट इंटर कोर्स। डिस्प्ले और इस मेथड को हम लोग क्या करते हैं, सुपर क्लास के मेथड को सब के अंदर कॉल करते हैं, कहीं भी कॉल कर सकते हो, जरूरी नहीं कि ऊपर ही करें। आप चाहते हो कि आईडी इनपुट लेने के बाद हम कॉल करें तो वहां भी कॉल कर सकते हो। सेल्फ डॉट क्या कर देंगे, एक्सेप्ट, पहले ये कॉल किया फिर सेल्फ डॉट एक्सेप्ट, फिर ये रन करेगा। उसके बाद डिस्प्ले में भी पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक आईडी डिस्प्ले कर देते हैं, आईडी इक्वल्स टू सेल्फ डॉट आईडी, एंड उसके बाद एक डिस मेथड को क्या करते हैं कॉल कर देते हैं सेल्फ डॉट डिस, कॉल करते समय सेल्फ नहीं लगाते। चलिए उसके बाद लास्ट में इसका अपना क्या है, कोर्स। सेल्फ डॉट कोर्स। अब आते हैं और ऑब्जेक्ट बनाते हैं सिर्फ किसका, हम लोग स्टूडेंट का, क्योंकि पर्सन का दोनों मेथड मेरा ऑलरेडी किसके अंदर कॉल हो गया है, स्टूडेंट के अंदर कॉल हो गया है। तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्टड, स्टूडेंट, और कंस्ट्रक्टर होगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा इनिट मेथड, है ना। इनिट मेथड भी यूज करना है कभी कभी, हमारे यूज नहीं किया हमने, बट यूज आप कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, स्टड डॉट फंक्शन का नेम क्या है, गेट डेटा, विदाउट पैरामीटर है, और एक है स्टार्ट डॉट डिस्प्ले, और यहां पर नाम हम लोग रखेंगे डिस्प्ले। तो देखिए ये प्रीवियस क्लास का एक प्रोग्राम है जो हमने अभी कोई चेंजेस नहीं किया है, इसको पहले एक बार रन कराते हैं। सबसे पहले हम लोग को रन करेगा, आईडी पूछेगा, है ना, जेंडर एंड कोर्स, एंटर किए और सारा डिस्प्ले कर दिया, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए क्या, अब एक्चुअल आते हैं मेथड ओवरराइडिंग क्या है। मेथड ओवरराइडिंग में बेसिकली क्या होता है कि मेथड ओवरराइडिंग करता है, इन मेथड ओवरराइडिंग में सुपर क्लास सेम नेम एंड सिग्नेचर मेथड आल्सो डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड इन सब क्लास। अब आप चाहेंगे और ये चाहेंगे कि क्या सर हम लोग या एक्सेप्ट नहीं रख सकते हैं, इसमें एक्सेप्ट है। हाँ, दोनों अगर अलग अलग क्लास हो, यानी पर्सन और स्टूडेंट को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, तब तो रख सकते हैं, ये अपना इसका एक्सेप्ट है, ये अपना एक्सेप्ट है, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सिचुएशन में कि पर्सन को डिराइव कर रहा है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट को हम लोग कॉल कर रहे हैं इसके अंदर, अब आप रख दिए इसका नाम भी एक्सेप्ट। ठीक है, और इसका नाम भी क्या रख दिए, इसका नाम भी क्या रख दिए, डिस्प्ले। ये तो सर तो आइए यहां पर भी हम लोग, लाइट थोड़ा कट गया है, ठीक है, यहां पर भी एक्सेप्ट रख लिए और यहां पर भी एक्सेप्ट रख लिए। अब देखिए क्या प्रॉब्लम आएगा, अब इसको आप रन करो, ठीक है। तो यहां पर गेट डेटा तो अब कॉल नहीं होगा ना, यहां पर तो अब तो मेरे एक्स तो इसके अंदर हमारा क्या हो गया, अब एक्सेप्ट आ गया और इसके अंदर भी मेरा क्या आ गया, डिस्प्ले आ गया। अब आप देखो इंटर आईडी सही है 101, इंटर आईडी 101। कोई बता सकता है क्यों ऐसे दे रहा है आईडी, इंटर आईडी एक बार पूछा उसके बाद एक्सेप्ट, तो ये एक्सेप्ट आ गया, ठीक है। लेकिन ये आपको बताए हैं कि कोई भी मेथड अगर कॉल हो रहा है तो जिस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हो रहा है और जिस क्लास में कॉल हो रहा है पहले वो अपने में देखेगा तब पेरेंट के पास जाएगा, है ना, पहले वो अपने में देखा तब पेरेंट के पास जाएगा। अब यहां पर देखिए क्या सिचुएशन हो रहा है, जैसे हमने यहां रख दिया एक्सेप्ट और यहां भी रख दिया एक्सेप्ट और इस एक्सेप्ट को, पर्सन वाले एक्सेप्ट को इसके अंदर कॉल कर रहे हैं, यहां पर भी डिस्प्ले रख दिया और यहां पर भी डिस्प्ले रख दिया। अब पर्सन वाले डिस्प्ले को इसके अंदर कॉल कर दिया, पिछले क्लास में अलग अलग रख रहे थे। अब कॉल करने से प्रॉब्लम क्या हुआ, यहां पर जो हम लोग कॉल कर रहे हैं स्टड यानी स्टूडेंट के एक्सेप्ट को, तो यहां पर स्टूडेंट के एक्सेप्ट को कॉल किए तो एक्सेप्ट नाम का ये फंक्शन खोजेगा, सबसे पहले कहां खोजेगा, ये कैपेबल है दोनों एक्सेप्ट को कॉल करने के लिए, स्टूडेंट वाला भी और पर्सन वाला भी, लेकिन सबसे पहले किसको इन्वोक करेगा, अपना वाला, अपना मिल जा रहा है तो अपने वाले को करेगा। अब एक्सेप्ट इसको मिल गया, जे भी एक्सेप्ट मिला तो पहले पूछा इंटर आईडी पूछा, हमने आईडी डाला, उसके बाद इसको है सेल्फ डॉट एक्सेप्ट, तो इसको फिर से एक्सेप्ट मिल गया, तो फिर से यहां से चला और इसी को कॉल किया, ऊपर जाएगा कैसे, ऊपर तो इसको मालूम ही नहीं चल रहा है, तो फिर से एक्सेप्ट, फिर इंटर आईडी, फिर इंटर आईडी पूछा, फिर एक्सेप्ट, फिर कॉल हुआ है, फिर यहां ये इनफिनाइट ऐसे ही करते रह जाएगा। समझ गए क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसी तरह डिस्प्ले में, डिस्प्ले पहुंचेगा ही नहीं, आपको एक्सेप्ट से बाहर निकलने दे रहे, ये एक तरह से रिकर्सन हो गया, इसको कहते हैं रिकर्सन। ये फंक्शन इटसेल्फ खुद, आप देखते हो कि एक फंक्शन को, एक मेथड को दूसरे फंक्शन में कॉल करते हो,
और आप उसी फंक्शन को अपने ही में कॉल कर रहे हो, तो यहां पर करेगा, यहां आएगा, फिर यहां पहुंच जाएगा कहां बॉडी है, फिर यहां पहुंच जाएगा कहां बॉडी है। तो ये प्रॉब्लम आपको, ठीक है, आएगा जहां पर प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग। अब वर्ड यहां पर समझिए डिफिनेशन। इन मेथड ओवरराइडिंग ए सुपर क्लास सेम नेम एंड सिग्नेचर, सेम नेम और सिग्नेचर का सेम नेम तो समझ रहे हैं, दैट इज अ सेम नेम, दैट इज एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। एंड सिग्नेचर कहने का मतलब किसका लक्षण, जैसे इसमें भी नॉन पैरामीटराइज्ड है, यानी एक भी पैरामीटर नहीं और इसमें भी एक भी पैरामीटर नहीं। अगर थोड़ा सा डिफरेंट होता कि इसके अंदर दो पैरामीटर होता है, इसके अंदर एक पैरामीटर होता, तब तो नहीं होता, क्योंकि दो पैरामीटर डालते तो समझ जाते कि हमारे अंदर तो एक ही पैरामीटर है, ये यहां चल जाता, ठीक है। लेकिन सिग्नेचर भी एक देम सेम, इसमें भी नथिंग पैरामीटर, इसमें भी नथिंग पैरामीटर, यानी कि सिग्नेचर भी सेम। ऑल्सो डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड इन सब क्लास, और वही नेम का डिफाइंड फंक्शन कहां है, सब क्लास में भी, सुपर में भी और सब क्लास में भी, क्लियर है। इन दिस सिचुएशन सब क्लास मेथड ओवरराइड एंड हाइड सुपर क्लास मेथड। अब क्या कर रहे हो कि आप समझ रहे हो कि हम इस सुपर क्लास के मेथड को सब क्लास में कॉल कर रहे हैं, बट ये क्या कर रहा है कि ओवरराइड कर दे रहा है, हाइड कर दे रहा है, इसको ये कॉल ही नहीं कर रहा है, ये अपने आप को कर रहा है। तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग, क्या बोलते हैं, मेथड ओवरराइडिंग। उसी चीज को यहां पर डिफाइन करना है। आप अपने लैंग्वेज में भी डिफाइन कर सकते हो, क्या कर सकते हो, अगर मैं हिंदी में समझाना चाहूं तो आपको मेथड ओवरराइडिंग ऐसा सिचुएशन है जिसमें सेम नेम और सेम पैरामीटर का फंक्शन सुपर क्लास में भी होता है एंड सब क्लास में होता है। और अब अगर हम लोग सब क्लास के अंदर सुपर क्लास के मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में सब क्लास सिर्फ और सिर्फ अपने ही फंक्शन को इन्वोक करता है, उसके फंक्शन को हाइड एंड ओवरराइड कर देता है, क्लियर है। ये हो गया आपको मेथड ओवरराइडिंग। अब आपको ये बताना है कि इसको आपको बताना है कि ये आपका फंक्शन नहीं है एक्सेप्ट, ये है इसका फंक्शन, इसको आपको लाना है। तो मेथड ओवरराइडिंग के सिचुएशन को हम लोग को खत्म करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सुपर कीवर्ड। क्या यूज करते हैं, सुपर कीवर्ड। और सुपर कीवर्ड का यूज करने के लिए हम लोग सेंटेक्स लिख देते हैं सुपर डॉट और सुपर क्लास मेथड, यानी सुपर लिखने के बाद सुपर क्लास का क्या लिखेंगे, डॉट, सॉरी सुपर लिखने के बाद डॉट, उसके बाद सुपर क्लास मेथड। अब कुछ छोटा सा चेंजेस करना है, बस सेल्फ के जगह पर इसको क्या कर देंगे, सुपर बस, और यहां डिस्प्ले के जगह पर इसको क्या कर देंगे, सुपर। अब ये जो भी आएगा सुपर कीवर्ड डिफाइन कर दिया कि डैट इज ए सुपर क्लास मेंबर, नॉट ए इट्स ए बेस क्लास, इट्स ओन क्लास मेंबर नहीं है, ये सुपर क्लास का मेंबर है। अब आप इसको रन करो और हम लोग देखें। आईडी पूछा 101 और सुपर हैज नो एट्रीब्यूट एक्सेप्ट, टाइप ऑफ सुपर हैज नो एट्रीब्यूट एक्सेप्ट, कुछ और चीज तो मिस कर रहा होगा। सुपर में अगर हम लोग सेल्फ लगा दें यहां पर एंड सुपर एक्सेप्ट सुपर डिस्प्ले एंड यहां पर भी सेल्फ लगा के देखते हैं। कुछ और होता है क्या, लगता है
पर सेल सुपर डॉट एक्सेप्ट जो तुम लिख रहे हो वो सुपर मेथड है, वो दूसरा चीज होगा। अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर दूं सुपर डॉट एक्स सुपर के बाद पैरेंथेसिस दे दूं, मैंने एक ट्राई किया था उसको चेक कर। चलिए सुपर कीवर्ड का नहीं यूज होगा, सुपर मेथड हम लोग करते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा। टू ओवरकम दिस सिचुएशन वी यूज सुपर क्लास नेम क्लास नेम विथ सुपर क्लास मेथड। और यहां पर सुपर क्लास नेम डॉट सिंटेक्स, सुपर कीवर्ड नहीं सुपर फंक्शन होता है जो हम लोग। चलिए यहां पर देखिए क्या हमने किया है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि सुपर के जगह पर आपको यहां पर क्या लिख देना है, सुपर क्लास का नेम। That means person, person dot accept and person dot display. जो बता रहा है कि that is not a student method, it's a person method. तो ये हो गया आपको method overriding से पार पाने का मतलब solution. ठीक है, ये method overriding situation हो गया तो उसके लिए हम लोग use करें। तो इसमें आपको अब ये ध्यान देना है कि इससे हम लोग पॉलीमोर्फिज्म कैसे अचीव किए। हम लिखा यूजिंग मेथड ओवरराइडिंग वी अचीव पॉलीमोर्फिज्म, तो पाइथन में ऊप्स में है ना पॉलीमोर्फिज्म अचीव करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं मेथड ओवरराइडिंग, क्योंकि पॉलीमोर्फिज्म कहता है कि एक ही चीज का डिफरेंट फॉर्म होना चाहिए। जैसे हमारे पास क्या हो रहा था कि यहाँ पर एक्सेप्ट हम ले रहे थे, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या ले रहे थे एक्सेप्ट ले रहे हैं। अब पहले क्या था कि जब दोनों का काम इनपुट लेना है, दोनों का काम सेम है तो हम डिफरेंट क्यों लें, और दोनों एक ही का पार्ट है, मतलब दोनों सुपर क्लास और चाइल्ड क्लास है, अलग अलग क्लास रहेगा, तो हम लोग को मजबूरी था एक ही चीज। तो यही चीज करा कि ए पर्सन है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म एट द सेम टाइम,
तो यहाँ पर भी एक ही मेथड है एक्सेप्ट नाम का, बट उसका डिफरेंट डिफरेंट काम है। ये दो इनपुट ले रहा है, ये चार चार इनपुट ले रहा है, दो तो ये भी ले रहा है, दो अपना भी ले रहा है, ठीक है। तो यही चीज कहलाता है मेथड ओवरराइडिंग, और इसी के थ्रू हम लोग अचीव करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पर भी डिस्प्ले देखो, है ना, एक ही चीजों का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है। यहाँ पर डिस्प्ले देखो तो डिस्प्ले आपको ये दोनों प्रिंट करा रहा है, यहाँ पर डिस्प्ले देखो तो यहाँ पर आईडी और ये प्रिंट करा रहा है। पहले था कि पहले हम लोग सेम नहीं ले सकते थे, अलग अलग ले सकते थे, लेकिन हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म और मेथड ओवरराइडिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम लोग इसको अचीव किए। तो ये हो गया आपको मेथड ओवरराइडिंग या कह लो पॉलीमॉर्फिज्म। किसी को कंफ्यूजन है इसमें? चलिए, नई कंफ्यूजन है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ था नहीं इसमें। तो पॉलीमॉर्फिज्म आपको हो गया। दूसरे लैंग्वेजेस में पॉलीमॉर्फिज्म के लिए हम लोग और चीज पढ़ते हैं, मेथड ओवरलोडिंग भी होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो हम लोग ओवरराइडिंग से काम चलाएंगे। अब थोड़ा सा ये चेंज कर देते हैं कि आप क्या करते हो कि सपोज हमेशा बताएं कि हम लोग क्या किए हैं कि अभी तक इसी प्रोग्राम में हम चेंज किए हैं, ज्यादातर यूज हम लोग क्या कर रहे थे, फंक्शन। लेकिन हम लोग बोले थे कंस्ट्रक्टर पढ़े तो, लेकिन कंस्ट्रक्टर यूज करना भूल गए। तो अब यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर भी यूज कर देते हैं। हमने बोला था कि आप कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं प्रोग्राम में, यानी हो गया कंस्ट्रक्टर। और यहां भी होगा आपको क्या, यहां जो कंस्ट्रक्टर होगा क्या होगा, इनिट। कंस्ट्रक्टर तो दूसरा नहीं हो सकता है, इनिट ही हो सकता है। अब कोई बताओ, जैसे इस इनिट को इस इनिट के अंदर कॉल नहीं कर रहे हैं अभी, इसको आप हटाओ। अब ये बताओ कि कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है, कोई बताओ। इनिट एक कंस्ट्रक्टर है, ये कैसे कॉल होता है, कोई भी हैंड रेज कर सकता है, बता सकता है। प्रीत बताओ। सर ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। यस, अगर सुपर क्लास में भी कंस्ट्रक्टर है एंड सब क्लास में भी कंस्ट्रक्टर है, तो सुपर क्लास का बनाएंगे तो सुपर क्लास का कॉल होगा, लेकिन सब क्लास का बनाएंगे तो क्या सुपर का भी होगा? यस होगा ना, सब क्लास दोनों के लिए है, क्योंकि सब क्लास पहले भी क्या करता था कि अपना मेथड भी कॉल करता था सुपर का भी। तो यहाँ पर अगर हम लोग सब क्लास का बनाएंगे तो सब क्लास सुपर का भी कॉल कर देगा और अपना भी कॉल कर देगा। अब उसी तरह हम लोग चलते हैं, क्या हम लोग इस कंस्ट्रक्टर को, अभी तो हम लोग अलग अलग कॉल करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पर अब एक्सेप्ट हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे, सॉरी एक्सेप्ट तो नहीं है बट डिस्प्ले हम लोग के पास है, तो डिस्प्ले रहेगा। एक्सेप्ट तो अपने आप कॉल, इनिट तो अपने आप कॉल हो जाएगा, और ये जो स्टड है ना वो अपना इनिट को भी कॉल करेगा और इसको भी कॉल कर देगा। अब आप पहले देख लो इसको, आईडी कोर्स, ऑब्वियसली ये आईडी पूछेगा तो इसके अंदर तो कुछ कोर नहीं है, तो सीधे कोर्स में ही आएगा विषय, ठीक है। और एक दिया नो एट्रीब्यूट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, नो एट्रीब्यूट नेम। अब नेम कहां चला गया, नेम नेम नेम, हाँ, लेकिन एक चीज प्रॉब्लम देगा कि यहां पर नेम नाम का एट्रीब्यूट आपको नहीं है, इस क्लास में नहीं है, ठीक है। आईडी और ये तो है बट नेम और जेंडर इसमें नहीं आ रहा है। तब इस सिचुएशन में क्या करोगे कि जिस तरह आप इसके मेथड को इसके अंदर कॉल किया एक्सेप्ट को, तो क्या कंस्ट्रक्टर को इसके अंदर कॉल कर सकते हो? यस। और कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हम लोग यूज करेंगे सुपर। एक चीज देना पड़ेगा, सुपर आ रहा है,
खेल, अच्छा आईडी में उल्टा हो गया ना, चलिए तो ये हो गया। यानी कि आप कंस्ट्रक्टर को भी इसके अंदर कॉल कर सकते हो, इसके कंस्ट्रक्टर को इसके अंदर आपने कॉल किया, बट कंस्ट्रक्टर के लिए हम लोग यूज करते हैं सुपर मेथड, और उसके बाद कंस्ट्रक्टर का हम लोग क्या रखते हैं, नेम लिखते हैं। इस तरह से इसका कंस्ट्रक्टर भी इसके अंदर कॉल हो जाएगा, और कंस्ट्रक्टर आप जानते हो कि बाय डिफॉल्ट कॉल होता है। जब भी ऑब्जेक्ट हमने बनाया स्टूडेंट स्टड का, स्टूडेंट का स्टड, सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर खोजता है, पहले कंस्ट्रक्टर नहीं मिल रहा था, अब आया और कंस्ट्रक्टर मिल गया, इसको इनिट, इनिट कंस्ट्रक्टर होता है, इनिट मेथड कॉल हुआ, और इनिट मेथड के अंदर पहले पूछेगा इंटर आईडी, आईडी पूछने के बाद सीधे आया इनिट कॉल है, इनिट के अंदर इनिट कॉल है, बट ये इनिट किसका कॉल है, सुपर का, ठीक है, सुपर डेट मीन्स इसका इनिट को इन्वोक करेगा, और इसके इनिट को इन्वोक करने के लिए आपके पास आ जाएगा नेम सेंडर, फिर ये यहाँ पर आएगा और फिर पूछेगा कोर्स, और डिस्प्ले तो आपको कॉल करना पड़ेगा क्योंकि डिस्प्ले नॉर्मल मेथड है, तो इस तरह डिस्प्ले आपका कॉल हो जाएगा। तो ये हो गया आपको मेथड ओवरराइडिंग। पॉलीमॉर्फिज्म अगर पूछेगा तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है उसका आप जवाब देंगे, और उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए मेथड ओवरराइडिंग यूज करते हैं, मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है उसको समझाएंगे और उसको एक एग्जाम्पल देंगे। जरूरी नहीं है कि ये एग्जाम्पल दे, अगर आपको लगता है कि ये छोटा वाला एग्जाम्पल इस तरह दे दे एबीसीडी वाला, इसमें ए डाल दिए, इसमें भी डिस्क डाल दिए, इसमें भी डिस्क डाल दिए, हम ये कर दिए, अगर ये आपको आता है तो ऐसे भी काम चला। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल दे तो बड़ा भी दे सकते, ठीक है। तो ये हो गया आपको मेथड ओवरराइड, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे लास्ट टॉपिक है और वो है आपका मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग देखेंगे, और उसके बाद जिनके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा वो मेरे पास सेंड कर देंगे, पहले जो सेंड किए थे वो सारा आपको नहीं है, मेरे पास हट गया होगा, तो जिनके पास है वो सेंड कर देंगे, आज हम एक जगह उसको कंपाइल कर देंगे और फिर उसको डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट के नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, अगर कल मल्टी ट्रेडिंग खत्म होता है तो उसको डिस्कस कर लेंगे कौन कौन, बाकी नीरज सर ले ही रहे हैं।